अस्सलाम वालेकुम, हम 7th क्लास की मैथ कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो कंप्लीट करनी है। आप लोग पहले वो वॉच कर लें वीडियो, फिर ये करें। ये बेसिक मैथ है और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चंस की 1 या 2 बार लाजमी प्रैक्टिस कर लें। ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों से हो जाएंगे आप लोग अगर प्रैक्टिस करें इसके। तो हम पहला MCQs देखते हैं। पहले MCQs में क्या कहते हैं, ये सोल्यूशन ही लिखा हुआ, बट मैं ये समझा देती हूँ कि ये इसमें क्या कह रहा है। कि कहता है कि 3 3 × 3 और इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है। अगर दोनों की बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड, और बीच में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। तो हम क्या करेंगे, 5 + 3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 8। अगर दोनों की पावर सेम हो और डिवाइड हो रहा हो नंबर, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 3 5 की पावर 5 - 2, तो ये दे देगा 3 की पावर 3 आंसर। अगर ऐसे ही दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, उसकी पावर के ऊपर पावर लिखी हुई हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 2, तो ये 3 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप लोगों ने अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट टाइम MCQs देखते हैं। कहता है कि 5x की पावर 7 को मल्टीप्लाई करना है x की पावर 6 के साथ। तो 5 को आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, x की पावर 7 को मल्टीप्लाई कर देना है x की पावर 6 के साथ। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 7 की x की पावर 7 + 6, तो ये ऐड होकर क्या दे देगा, x की पावर 13। ऐसे आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया था, जस्ट इसके अंदर 5 इन्वॉल्व्स था, वो भी कन्फ्यूजन के लिए डाल देते हैं ताकि आप लोग ये सोचें कि अब हम 5 का क्या करें। नेक्स्ट MCQs करते हैं। कहता है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 100 AQBR² units, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब इसके अंदर क्या गिवन है, एरिया गिवन है, और ये इस ट्राइंगल की क्या गिवन है, बेस गिवन है इधर। तो आप लोगों ने इसकी फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। हम पहले एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया का फार्मूला होता है 1/2b × H। अब इधर A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, H हमने फाइंड करना है। A की वैल्यू क्या गिवन है, 100 A³ और इधर गिवन है B 20 A² H वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 200 बन जाएगा, 200 A³ और इधर वैसे ही लिखा हुआ 20 A² H। अब क्या करना है, 20 को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, 20 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये 20 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1² भी डिवाइड हो जाएगा, 1² से कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा, 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 1 2 2 1 2 0 का 0 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 10 AB आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने फार्मूला लिख लेना, फार्मूले के अंदर जो गिवन वैल्यू वो पुट कर देनी। अब हमें इधर क्या पूछी हुई थी, हाइट, तो हाइट आ गई है 10 AB। अब हम फार्मूला लिखते हैं एरिया का क्या है, 1/2b × H। अभी हमें इसमें पूछा हुआ था कि H फाइंड करें। ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, वो हमसे एरिया भी पूछ सकता है, और हमें बेस और हाइट गिवन हो गई तो हमने इधर वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेना। अब वो हमसे बेस भी पूछ सकता है, हाइट और एरिया की वैल्यू गिवन हो गई, हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है और हमने फाइंड आउट कर लेना है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर सवाल के अंदर क्या पूछ रहा है हमसे। हमसे इसमें क्या पूछा था, ये देखें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया गिवन था और बेस भी गिवन थी, इधर हमसे हाइट पूछ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना और सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट में कहता है कि 3 की पावर 2 × 3 × 2। अब ये देखें, पावर के ऊपर पावर है, तो मैंने फर्स्ट में बताया था कि पावर के ऊपर पावर हो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अभी आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे, 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12 आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 12। नेक्स्ट करते हैं। कहता है कि 2 की पावर 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर, अच्छा अब किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। अब इसकी पावर 0 है तो ये क्या दे देगा आंसर, 1। तो 2 की पावर 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 7 ही दे देगी आंसर, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 आगे। नेक्स्ट करते हैं 34। अभी मैंने बताया कि किसी की भी पावर 0 हो, 5 की हो, 10 की हो, 100 की हो, 100 की हो, किसी की भी हो 0, तो वो 1 आंसर दे देगी। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर लिखा हुआ है।
अच्छा नेक्स्ट करते हैं, कहता है कि 4 माइनस 3 आंसर क्या देगा। जिस जगह पे नेगेटिव आंसर गिवन हो उसको आप लोगों ने पहले पॉजिटिव कर लेना, इसको हमने 1 ओवर के फॉर्म में लिख लेना, ये पॉजिटिव हो गया। अब हमने नीचे क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना 4 को 3 टाइम, 4 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर दे देगा, 164। ये आप लोगों ने देख लेना इधर। अच्छा नेक्स्ट कहता है कि इस क्वेश्चन में कि 4 4 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 टाइम और सी मल्टीप्लाई हो रहा 4 टाइम, तो इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें। अब एक्सपोनेंट की फॉर्म ये होती है कि इनको शॉर्ट में लिखें कि 4 की पावर 3 आ जाएगा, और ये काउंट करें 4 है तो सी की पावर क्या आ जाएगी, इधर 4 आ जाएगी। तो ये इसको एक्सपोनेंट में लिखने का तरीका है। एंड नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कहता है कि 3, अच्छा मैं ये ऊपर लिखती हूँ क्वेश्चन, कहते हैं कि 3 को 4 प्लस 27 डिवाइड करना है 3 के साथ ब्रैकेट और उसके ऊपर स्क्वेयर ब्रैकेट है। अच्छा आप लोगों ने क्या करना है कि पहले जो भी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो आप लोगों को एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट जो गिवन होगी उसको सॉल्व करना है। अब 3 को 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर देता है, 9। ठीक है, क्या बन जाएगा, 9, और इसके ऊपर स्क्वेयर है। अब 9 को हमने 4 से ऐड करना है तो कितना बन जाएगा, 13, 13 के ऊपर स्क्वेयर है। अब 13 का स्क्वेयर कितना होता है, 169, और 169 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 507। ओके, आप लोग हमेशा ये याद रखें कि ऐसे अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो भी ब्रैकेट गिवन हो या कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा वो सॉल्व करना है, और फिर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि 2 के पावर 4 किसके इक्वल होगा। ये देखें, ये उसकी ऊपर पावर के ऊपर नहीं लिखा हुआ नेगेटिव, इसके साथ लिखा हुआ है तो उसको साथ ही रहने देना है। हमने जस्ट 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, 2 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 16, और माइनस लिखा हुआ था 7, तो माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, अब ये लिखा हुआ है कि -4 होल की पावर 4। अब ये पॉज, ये इवन नंबर है, इवन नंबर हो और नीचे जो भी गिवन नंबर हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता। अगर इधर लिखा हुआ था -4 और 3 तो ये ऑड नंबर होता तो आंसर जो भी आता नेगेटिव आता। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐसे याद रख लेना। अब हम 4 की पावर 4 तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, 2 की पावर को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, और बेस इवन हो इवन है तो इस वजह से ये क्या दे देगा, 16 पॉजिटिव का, इसलिए इसके साथ नेगेटिव नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि -2 की पावर 5 को डिवाइड करना है 1/2 के साथ। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी ये मल्टीप्लिकेशन हो और दो नंबर्स के दरमियान तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने इसको चेंज कर देना, 2 को ऊपर ले जाना है और 1 नीचे आ जाएगा। 1 इसके नीचे लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये देखें, 2 की पावर 5 है, अब ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्ली है अप्लाई हो रहे हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इनकी पावर्स को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 2 वैसे का वैसे आ गया, 5 प्लस 1 कर देना तो ये बन जाएगा 2 के पावर -2 के पावर 6 बन जाएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि देखो डिवाइड लिखा हुआ हो जहाँ भी -2 के पावर 5 और डिवाइड लिखा हुआ हो तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई में उसको चेंज कर देना है, और जो लास्ट वाली रकम हो इसके इन्वर्स कर देना। अब इसका 2 का 1/2 का इन्वर्स 2 बनता है। अब ये देखें दोनों की सेम हो गई, ऊपर 1 बेस बन जाएगी तो ये बेस सेम होगी, पावर इसकी 1 बन जाएगी। तो फिर आप लोगों ने ये देखें मल्टीप्लिकेशन है तो उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, ये आज हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट और क्वेश्चंस करेंगे 7th क्लास के। जल्द से जल्द हम 7th क्लास को कंप्लीट करके फिर और बुक्स स्टार्ट करते हैं।